हेलो दोस्तों, आइए आज हम आपको फिल्म सामरी 3D 1985 के कुछ लोकेशंस के डिटेल्स बताएं। सामरी फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म 9 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी, जिसका सेंसर सर्टिफिकेट 1 नवंबर 1985 का है। ये आप देख सकते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था तुलसीराम से, गुल आचरा और श्याम राम से ने, और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था बप्पी लाहिरी ने। सामरी 3D फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग जो है स्टार्टिंग में, ये बाबुलनाथ टेंपल मुंबई में शूट किया गया था। इस मंदिर में पुराना मंदिर फिल्म, वीराना फिल्म और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये पहला सीन सामरी फिल्म का जहां अनिरुद्ध अग्रवाल चल के जा रहे हैं और फिर वो एंटर करते हैं। ये जो बंगले का एक्सटीरियर है, ये वाहिनी स्टूडियो चेन्नई में है। वाहिनी स्टूडियो में बहुत फिल्मों की शूटिंग हुई थी एक ज़माने में, आज वाहिनी स्टूडियो बंद हो चुका है। इसी सीन में जहां सामरी एंटर होते हैं बंगले के अंदर, ये जो है ये एक सेट बनाया हुआ है। ये AVM स्टूडियो है चेन्नई का। यहाँ पर 80s में बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई थी, जैसे कि रजनीकांत की वफादार, महागुरु, जितेंद्र की मवाली, मुद्दत, मिथुन चक्रवर्ती की, इस फिल्म की शूटिंग भी यहीं हुई है। इसी सीन में जहां सामरी गुफा का दरवाज़ा खोलता है और वो एंटर होता है अंदर, ये सीन जो है काला जादू वाला, ये सीन महबूब स्टूडियो में शूट हुआ था। ये पूरा सेट बनाया गया था गुफा का, वहीं पर ये शूट हुआ था। ये सीन जहां पर सामरी को दफनाया जाता है, ये जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान नहीं, ये एक सेट बनाया गया था SL स्टूडियो में मुंबई में, जहाँ पर इसको शूट किया गया था। सामरी फिल्म का सॉन्ग नंबर 2 लड़की कैसे पटाई जाती है, जो गाना बप्पी लाहिरी ने कंपोज किया था और किशोर कुमार की आवाज़ थी। ये सीन को पिक्चराइज किया था हॉराइजन होटल के वेव डिस्कोटेक में। इस वेव डिस्कोटेक में बहुत सारी 80s में फिल्मों की शूटिंग हो चुकी थी। ये सीन जहां प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर राजन सिप्पी और आरती गुप्ता को मिलने आते हैं उनके घर, ये सीन चांदीवली स्टूडियो के एक घर के अंदर शूट किया गया था। इस घर में भी 80s के ज़माने में बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये घर उस टाइम बहुत पॉपुलर था, आज ये घर नहीं रहा। ये राजन सिप्पी और आरती गुप्ता का रोमांटिक सीन वाहिनी स्टूडियो के अंदर का ही एक्सटीरियर था, जहाँ पे ये झील के किनारे शूट किया गया था। ये सीन जहाँ जैक गौर, जो कि भीषम था इस फिल्म में, इस कैरेक्टर का नाम, जहाँ कब्र खोद रहे हैं, ये सीन भी SL स्टूडियो के कब्रिस्तान में शूट किया गया था, जो सेट बनाया गया था। ये सीन जहाँ अमरनाथ मुखर्जी, आशा सचदेव और जैक गौर मिलते हैं, ये सीन वाहिनी स्टूडियो के बंगले के बाहर का है। और जैसे ही ये अंदर दिखाते हैं चंगेज़ खान, जो जगदीप ने किया है कैरेक्टर, ये सीन जो है ये AVM स्टूडियो के इंटीरियर का है। सामरी का सॉन्ग नंबर 3 पानी में आग लगी ये तो है बात नहीं, ये सॉन्ग जो बप्पी लाहिरी ने म्यूजिक कंपोज किया था और आवाज़ें थी S जानकी और अमित कुमार की, ये सॉन्ग प्रसाद स्टूडियो और SL स्टूडियो में शूट किया गया था। इसमें दो लोकेशन को कंबाइन करके शूट किया गया था और फिर अक्सा बीच में भी इसको शूट किया गया था मुंबई के। ये जैक गौर और राजन सिप्पी का जो सीन था, ये सीन भी SL स्टूडियो के कब्रिस्तान में शूट किया गया था, जो सेट बनाया गया था। सामरी 3D फिल्म का जो लास्ट सॉन्ग था बचा ले संभाले, जो बप्पी लाहिरी ने कंपोज किया था और आवाज़ भी बप्पी लाहिरी की थी, जॉनी विस्की की आवाज़ थी, ये गाना भी SL स्टूडियो के कब्रिस्तान के सेट में ही शूट किया गया था पूरा। ये गाना जो था, ये माइकल जैक्सन के थ्रिलर से इंस्पायर होके बनाया गया था। ये सीन जहाँ राजन सिप्पी कुनी तिजार को मिलने आते हैं कंप्लेन करने, ये सीन जो पुलिस स्टेशन का था, ये पुलिस स्टेशन फिल्मिस्तान स्टूडियो का पुलिस स्टेशन था, जो एक सेट बनाया था। ये सीन जहाँ गुलशन ग्रोवर आता है आरती गुप्ता के साथ ज़बरदस्ती करने, और वहाँ पर एक फाइट सीक्वेंस भी होता है राजन सिप्पी और गुलशन ग्रोवर का, ये सीन जुहू के नागी विला में किया है, जो मुंबई में है। ये सीन जहाँ प्रेम चोपड़ा जगदीप को पूछता है कि उसने खन्ना का खून कर दिया, ये सीन SL स्टूडियो के गार्डन में शूट किया गया था। और जहाँ जगदीप गुलशन ग्रोवर की लाश को उठा के लेके आ रहा है, ये भी SL स्टूडियो के गार्डन में शूट किया गया था मुंबई में। ये फिल्म का चेज और फाइट सीन मुंबई के फिल्म सिटी में शूट किया गया था। ये फिल्म का लास्ट सीन जहाँ पे सामरी के हाथों मामा तकलीश जन मारा जाता है, ये सीन SL स्टूडियो के हवेली के बाहर शूट किया गया था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।